नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले भाग में हमने हिंदी विषय में कक्षा 6 के पाठ 4 पुस्तक हमारी मित्र इसमें पहला भाग तो पढ़ लिया। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, आगे का पाठ जो है वह। पहले आओ हम देख लेते हैं शब्दार्थ। अभियान पूजन जो है वह वाचिक गुजरात अभियान में सम्मिलित हुआ था। अभियान यानी जुम्बेश, किसी का अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त हो जाना। जिज्ञासा यानी कि अज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। गुलदस्ता यानी फूलों का गुच्छा, सुंदर फूलों और पत्तियों का बना एक गुच्छ। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, अपने मन में ठान लेना, उसे भी संकल्प कहते हैं। हमने आगे देखा कि पूजन किताबों के महत्व के बारे में अपने मित्रों को पत्रों में लिख के बता रहा है। किताबें जो है वह क्या करती है, ज्ञान और अंधकार को मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। गांधी जी जो थे उन्होंने कहा था कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। और अब आगे, किताब ज्ञान का स्रोत है। किताब जो होती है वह ज्ञान का स्रोत होती है, ज्ञान का भंडार होती है, जिसमें जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति। जिज्ञासा यानी क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान भी रखती है। पुस्तक जो होती है वो ज्ञान और विज्ञान, नया नया जानने को भी हमें किताबों से ही मिलता है। किताबें क्या है, मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। पुस्तक लाके हम घर में रख दें और उसको पढ़े ना, तो उसमें से हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते नहीं। उन्हें पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी ही है। मित्र मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तक चाहिए। वो क्या सोचता है, अपने मित्रों को कहता है कि पैसे नहीं चाहिए मुझे, तो पुस्तक ही चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर फूल पुष्प का गुलदस्ता नहीं पर किताबों की भेंट देनी चाहिए। हमारा किसी का भी जब जन्मदिन होता है तो लोग बहुत सारी भेंट लाते हैं, कोई फूलों का गुलदस्ता, कोई केक, कोई चॉकलेट, कोई कपड़े, कुछ ना कुछ खिलौने, ये सब लाता है। तो ये पूजन कहता है कि जन्मदिन के अवसर पर हम सबको क्या करना चाहिए, गुलदस्ता नहीं पर अब क्या देना चाहिए, अच्छी किताबों की भेंट करनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। पुस्तक क्या है, हमारी मित्र है और वो हमेशा रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी किसकी है, हम सबकी है। पुस्तक को पढ़ने की जिम्मेदारी हम सबकी ही होती है। पुस्तक अपने आप खुल के नहीं आ जाएगी हमारे सामने, उसे खोलकर हमें पढ़ना भी चाहिए। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या कहता है पूजन मनोज को कि मैंने अब नियम यानी संकल्प कर लिया है कि मैं रोज़ एक अच्छी किताब का एक पढ़ना तो रोज पढ़ूंगा। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। वो कहता है अपने मित्रों को कि मैं आशा रखता हूँ कि तुम भी ऐसा ही करोगे। तो चलो आज से संकल्प करें, निश्चय करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। वो कहता है कि हमें किसी भी अच्छे अवसर पर और जन्मदिन के अवसर पर भेंट में क्या देना चाहिए, किताब देनी चाहिए। वो कहता है अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। वो क्या कहता है कि बुके नहीं यानी फूलों का गुलदस्ता हमें नहीं चाहिए, पर क्या चाहिए, बुक यानी पुस्तक चाहिए। वह अंत में अपना पत्र पूर्ण करता है और कहता है परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा दोस्त पूजन। और इस तरह पूजन का पत्र यहाँ पूर्ण होता है। अब हम अगले वीडियो में पत्र लेखन कैसे लिखते हैं यह आगे देखेंगे। नमस्कार।